चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं News 21 TV एवं पॉजिटिव न्यूज। सुखवीर बन्ना जो कि भाजपा के प्रबल दावेदार थे विधायक पद के, लेकिन टिकट किसी और व्यक्ति को दे दिया गया, तो इसी चक्कर में आज उन्होंने एक पंचायत का आयोजन किया। आप ये देखेंगे कि भारी संख्या में युवा, बुजुर्ग और खास करके महिलाएं ज्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। तो महिलाओं से जान लेते हैं पहले तो कि क्या चाहते हैं सुखवीर मलेना के लिए, बताइए। विधायक बने क्यों, क्या चाहते हैं आप इनसे विधायक बनने के बाद, क्या काम करें आप? ये अच्छे काम कर अच्छा। और कोई बताएं जो बोले, चलिए आप भी बताएं सर, आप भी बताएं। पब्लिक में बड़ा आक्रोश है, ये हमारे सुखवीर भाई साहब जी इतने नेक नीति के आदमी है, पब्लिक में इनकी जो छवि है और किसी नेता की नहीं है, इसलिए चाहते हैं। पब्लिक ना हर तरह से तैयार है इनके साथ, तन से मन से धन से। क्या चाहते हैं इलेक्शन लड़ाना? निर्दलीय यहाँ पर कम से कम तो 25-26 सरपंच आए हुए हैं इनके समर्थन में कि आप यहाँ आकर के भाई तुम खुद लड़ो। सुखवीर जी अपने से नहीं बुलाए हैं, ये सारे समाज के लोग आए हैं कि आप खड़ा हो कि चुनाव लड़ाने। आप ऐसे कौन बताएगा, कौन बता सकते हैं? आ जाओ आगे, आ जाओ जो बोलो, आ जाइए। एक बार आप सीधे तौर पर जुड़े लाइव तस्वीर आप देखेंगे कि एक महापंचायत का आयोजन जिसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। आइए जी, कौन बताएंगे? आगे आजी, क्या नाम है जी आपका? कविता शर्मा। क्या चाहते हैं आप चुनाव लड़े? हाँ बिल्कुल, क्यों लड़ना चाहिए नहीं बताए? एक जो नेता में जो क्वालिटीज होती हैं वो सारी क्वालिटीज उनके अंदर हैं। जैसे भाजपा ने इनको टिकट नहीं दिया है तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए इनको या किसी दल से जाकर के? निर्दलीय लड़ना चाहिए चुनाव लड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए बन जाते हैं तो क्या चाहते हैं आप, क्या काम कराएं? आए एक एक अलग अलग बात बताए ना आप सभी। उनके अंदर वो सभी क्वालिटी हैं जो एक नेता में होनी चाहिए, कि जैसे हमारे गांव में या और गांवों में शिक्षा का प्रसार बहुत पीछे है या किसी भी चीज में, उनके अंदर वो क्वालिटीज हैं और आप शिक्षा का प्रसार बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीर है और देखिए क्या महिलाएं बोल नहीं पाती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक साथ कि सुखवीर मलेना निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीर है और देखिए मैं अंदर का हाल आपको दिखा दूं। ऐसा है कि सुखवीर भाई ने पिछले 2000 ईस्वी सन से भाजपा के शुरू से कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता रहे हैं और इन्होंने इतने दिनों से सेवा करते करते 2014 में भी अमित शाह जी ने इनसे कहा था कि 12 टिकट गाड़ी थे उसमें से इन्होंने जब अमित शाह से मिले तो उन्होंने अमित शाह जी बोले कि 12 में से तुम दो आदमी को चुन लो। दो आदमी को चुना गया, फिर मिलने के लिए गया कि मैंने 12 में से दो आदमी को चुन लिया गया जी। उस दो में से फिर बोला अमित जी ने कि आप इनमें से एक आदमी को चुनो। उनमें से एक आदमी को 10 मिनट के अंदर चुन करके सुखवीर को सारे टिकटधारी जो मांग रहे थे 2014 में, तो अमित जी ने बोला इस बार तो मैंने घोषणा कर दिया हूँ, अब आगे जो है तो आप दोस्तों सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। भाई ठाकुर भी है, धोबी भी है, पांच बरातियों के हमारे साथ में जो 36 बरातियां फैसला कर देगी, पैदल से हम उस भाई के साथ हैं और अपनी अंदरूनी जब आवाज करोगे तो सब ईश्वर परमात्मा सबका भला करेगा। आप सभी भाई अपने विचार प्रस्तुत करो और जो आपके मन में है अच्छी बात उसको कहो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई जी, आपने अपनी बात रखी और मैं आप मंच पर कर्नेल गोपाल जी का के लिए मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और जैसा कि माहौल है उस माहौल अनुसार अपने दो शब्द रखें। कर्नेल गोपाल जी, सभी को जय हिंद, राम राम साहब। राम राम जी। मंचासी अध्यक्ष महोदय
और सभी मान्य गणमान्य व्यक्तियों और मेरे बंधुओं, भगिनियों और मीडिया के सभी महानुभाव, आज ये 36 बिरादरी की पंचायत यहाँ हो रही है, उसका कोई मकसद है। जिस प्रकार से किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई यानी विचार किया जाता है, वो शायद उस तरीके से नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। मैं एक बार जरूर कहूंगा, राजनीति में हम ऊपर क्या सोचते हैं और नीचे हम क्या सोचते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। राजनीति और राष्ट्रनीति, इन दोनों में भी बहुत अंतर है। राजनीति वो नीति जो राजा अप